हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको क्रिजांटा टैबलेट के बारे में पूरा रिव्यू देने वाले हैं। इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसको आपको कब तक लेना चाहिए, आखिर इस टैबलेट का वर्क क्या होता है। तो देखिए, ये जो टैबलेट है क्रिजांटा, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मीन्स होता है कि गर्भ निरोधक गोली के रूप में इसको लिया जाता है। लेकिन अक्सर डॉक्टर्स इसको आपको रिकमेंड करते हैं अगर आपके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, तो पीरियड को रेगुलेट करने के लिए इस टैबलेट को लिया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इनको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो आपकी ओवरीज फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, इस टैबलेट को कुछ इस तरह से इसके अंदर से निकलता है और वही ये 21 डेज तक इस टैबलेट को लिया जाता है। और अलग अलग डॉक्टर्स लेने के लिए अलग अलग टाइमिंग को रिकमेंड करते हैं। कोई कोई डॉक्टर पीरियड के 5th डेज से इसको बताता है, कोई डॉक्टर्स पीरियड के 5th डेज से, कोई 2nd डेज से, कोई 1st डेज से, इस तरह से इसको बताया जाता है। तो इस पीरियड इस जो ये टैबलेट है उसका ये काम ही होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका PCOD, PCOS जैसी बीमारियों का अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको ये टैबलेट लेनी है। लेकिन 3 महीने के बाद फिर अगर आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इसे फिर से रिपीट करिए, तो एक बार उनसे इस बारे में कंसल्ट ज़रूर करना है कि ये टैबलेट आपको आगे चलानी भी है या नहीं चलानी है। इस बारे में आप उनसे ज़रूर बात करें, क्योंकि ये जो टैबलेट है अगर आप लेना बंद कर देंगे, मान लीजिए आपको PCOD की प्रॉब्लम है और 3 महीने तक 4 महीने तक आपने इस टैबलेट को लिया, फिर आपने बंद कर दिया, तो आपके फिर पीरियड रेगुलर नहीं आएंगे। ये बिल्कुल मान के चलिए कि अगर आपने इस टैबलेट को लेना बंद कर दिया तो पीरियड रेगुलर नहीं आएंगे, आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना होगा। हाँ, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। टैबलेट अच्छी है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बट हर टैबलेट के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और अगर रेट की बात की जाए तो ये लगभग 400 रुपये का है, इसका 400 रुपये का। और जो इस जनरल स्टोर वाले होते हैं कभी कभी डिस्काउंट भी दे देते हैं, तो ये 350 रुपये के आसपास ये पड़ जाती है। तो इस टैबलेट को अगर आप लेते हैं तो लीजिए, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए कि ये टैबलेट आपको कब तक चलाना है, कब तक नहीं चलाना है। सो फ्रेंड्स, इस टैबलेट के बारे में हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।